दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज की नीमच मंडी की सभी जिन्सों की आवक देख लेते हैं, क्या आवक रही है। तो दोस्तों ये कलौंजी का छपरा पूरा खाली पड़ा है, आप देख सकते हैं किधर दोनों साइड से कोई आवक नहीं है। और बात करते हैं पोस्ते की, तो हाल फिलहाल एक कट्टे की आवक है पोस्ते की। और लगभग उन किसान भाई से पूछा, उन्होंने कहा 4-5 कट्टे और आ रहे हैं हमारे मित्र के, तो 5 कट्टे तक पोस्ते की आवक बन सकती है। अजवाइन की आवक कुछ भी नहीं, दिल्ली की आवक कुछ भी नहीं, जीरे की आवक कुछ भी नहीं, धनिया की आवक कुछ भी नहीं, इसबगोल की आवक कुछ भी नहीं, मेथी की आवक कुछ भी नहीं, उड़द की आवक कुछ भी नहीं, चना कुछ भी नहीं, और मूंग मसूर तुअर मतलब दलहन में डालर चना किसी की भी आवक कुछ भी नहीं। हाल फिलहाल तक एक भी बोली नज़र नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हैं, देखो उधर गेहूँ के छपरे में गेहूँ नज़र आ रहा है आपको। और बात करते हैं रायड़े की आवक, हाल फिलहाल तक एक भी बोरी नहीं है। अलसी की 40 बोरी की आवक है अलसी की। सोयाबीन की 200 से 250 बोरी आवक बन जाएगी, 200 तो आवक पक्की है, एक पिकअप और आया है अभी। सोयाबीन की 200 की आवक पक्की है, मगर एक गाड़ी और आई थी जो 250 हो सकता है। और गेहूँ की आवक 200 बोरी की है। और असगन में अश्वगंधा औषधि मंडी में कोई भी आवक नहीं है, और मूँगफली में भी कुछ भी आवक नहीं है। और बात करते हैं जो मक्का की भी कोई भी आवक नहीं है। और बात करें दोस्तों अपन तो लगभग लहसुन की 900 से 1000 बोरी आवक बन जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 पहुँच सकती, इससे ऊपर बहुत मुश्किल है। कांदे की आवक, प्याज की आवक एक भी कट्टा नहीं। तो ये है नीमच मंडी की आज की सभी आवक। दोस्तों एक पोस्ते के ऊपर अपडेट दे दूँ, आप लगातार पूछ रहे थे, तो पोस्ते के ऊपर आयात का एक जो फैसला है वो 16 सितंबर महीने का था, मगर बम्बई हाई कोर्ट में एक और केस चल रहा है आयात के ऊपर, उसकी तारीख है 21/8/2019। जी हाँ, 21/8/2019 चेक गणराज्य से जो आयात होगा उसकी तारीख है 21/8/2019। तो दोस्तों ये एक नई खबर है, वो आपको दे देता हूँ। और बाकी जो पोस्ते की तारीख लगी थी वो 16/9 की लगी थी, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये पूरी मंडी का नज़ारा आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, पानी पानी दिखेगा आपको चारों तरफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरी मंडी का किसी भी छपरे में कोई आवक नहीं, गेहूं सोयाबीन और अलसी को छोड़कर। और ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों मंदसौर मंडी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी व्यापारियों की, ई अनुज्ञा जो लागू हो रहा है उसके संबंध में, तो मंदसौर मंडी कल से अनिश्चितकालीन बंद है, ये ध्यान रखें। नीमच मंडी भी ऐसा हो सकता है, उसकी जो भी खबर होगी मैं आपको दूंगा। हाल फिलहाल कल तो नीमच मंडी चालू है, लगातार 3 दिनों से वर्षा हो रही है, इसलिए मंडियों में कोई भी आवक देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।